A very happy morning, my dear students. Welcome to my math class. Students, in last classes we have already learned addition and subtraction of four-digit numbers. Today we will learn to solve problems in which we will do both the operation addition and subtraction in chapter number 6, which is प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सबट्रैक्शन. ठीक है बेटा, आपने इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आप लोगों को एडिशन और सबट्रैक्शन करना सिखाया था. ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो कि फोर डिजिट नंबर का एडिशन विद कैरी हम आप लोगों ने करना सीख लिया है और सबट्रैक्शन विद बोरो भी आपने फोर डिजिट नंबर का करना सीख लिया है. आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सबट्रैक्शन. इसमें हम जब एक ही क्वेश्चन में जब एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों होता है, दोनों का साइन लगाया जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हमको एक साथ सॉल्व करना है. कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे. ठीक है, बिफोर स्टार्ट अवर टॉपिक, फर्स्ट वी विल सी इट्स कंटेंट्स. ठीक है, पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या किस पॉइंट को हमको पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इज स्टेप्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, देन थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट्स, दैट इज डेफिनेशन. फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? डेफिनेशन. पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, व्हेन एडिशन एंड सबट्रैक्शन इज डन टुगेदर इट इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन. जब किसी भी क्वेश्चन में एडिशन और सबट्रैक्शन जब दोनों साथ में सॉल्व किया जाता है, मींस टुगेदर में एक साथ, जब एक ही क्वेश्चन में एडिशन और सबट्रैक्शन को एक साथ सॉल्व किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई करना आ गया. ठीक है, आपको अब एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? आपको एक क्वेश्चन में एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों साथ साथ रहेंगे, प्लस और माइनस दोनों साथ करेंगे. जब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन करना या सिंप्लीफाई करना. Now we will see second point of contents. Second point of contents. Step for simplification. Steps for simplification. अब हम content का second point को पढ़ेंगे. देखो बेटा, simplification मैंने बताया, जब एक ही question में plus और minus दोनों रहता है, ऐसे question को solve करने को हमको बोलते हैं simplify करना या simplification करना. तो उसके कुछ steps होते हैं. ठीक है, जो हमको यहाँ पर देखना है. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन में जितना ऐड ऑल द नंबर्स विद प्लस साइन, जितने भी क्वेश्चन में प्लस साइन आया है, प्लस साइन वाले नंबर्स को हमको क्या करना है? ऐड करना है या प्लस करना है. जितने भी नंबर्स के सामने प्लस साइन है उसको हमको पहले प्लस साइन वालों को क्या करना है? प्लस करना है. देन सेकेंड स्टेप क्या करना है? ऐड ऑल द नंबर्स विद माइनस साइन. हमको माइनस साइन वाले नंबर्स को भी क्या करना है? प्लस करना है, मींस ऐड करना है. ठीक, नाउ थर्ड स्टेप इज सबट्रैक्ट द सेकंड सम फ्रॉम द फर्स्ट सम. है ना, इन दोनों का जो आंसर आएगा, फर्स्ट जो स्टेप का जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड जो स्टेप का जो आंसर हमको क्या करना है? माइनस करना है. तो पहले हमको हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जितने भी प्लस साइन वाले नंबर्स हैं उसको हमको क्या करना है? प्लस करना है. ठीक है, उसके बाद सेकंड जितने भी माइनस वाले नंबर है उसको भी हमको क्या करना है? प्लस करना है. मतलब जितने भी प्लस नंबर वाले को प्लस करो, जितने भी माइनस नंबर वाले हैं जो नंबर उसको भी प्लस करो. ठीक, लास्ट में क्या करना है? इसका आंसर में ये अगर जो सेकंड आंसर है उसको क्या करना है? सबट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है. ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लुक एट दिस एग्जांपल. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये स्टेप आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या करना है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स, मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं, सिंप्लीफाई करना मीन्स एक क्वेश्चन में जब प्लस और माइनस दोनों के साइन करते हैं हम उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना या सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? देखो सिंप्लीफाई करना क्या करना हमको, 3678 माइनस 1487 प्लस 2456 माइनस 2798। ये आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है बेटा, तो ये आपका देखो यहाँ पर आपको माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, फिर माइनस भी आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस सीरीज में दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको फिर प्लस करो इस नंबर को, फिर जो आंसर आएगा फिर ये नंबर को माइनस कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप को फॉलो करते हो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वन को फॉलो करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, अब हमको क्या सॉल्व करना है, तो ये तीन स्टेप को ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एड ऑल द नंबर्स विद प्लस साइन। हमको देखो मैंने यहाँ स्टेप वन लिख दिया है, हमको ऐड करना। ऐड मीन्स क्या होता है, प्लस करना, कि किसको प्लस करना, जितने भी प्लस साइन वाले नंबर है उसको हमको प्लस करना। देखो यहाँ प्लस साइन कहा गया, ए गया प्लस साइन, मीन्स ये जो नंबर है कोई भी नंबर के आगे अगर कोई भी प्लस रहता मतलब वो नंबर क्या होता है प्लस, ये नंबर के आगे माइनस है मतलब ये नंबर क्या है माइनस का है, इस नंबर के आगे माइनस है मतलब ये नंबर क्या है माइनस। अच्छा इस नंबर के आगे तो कुछ नहीं लिखा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि 3678 प्लस है कि माइनस है। बेटा अगर कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा रहता वो क्या होता है हमेशा प्लस होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर के आगे अगर प्लस और माइनस का साइन नहीं रहता वो क्या होता है हमेशा प्लस रहता है। ठीक है, देखो हमको क्या करना है स्टेप वन में, उन सभी नंबरों को प्लस करना है जिसके आगे प्लस साइन है। देखो ये प्लस साइन है, ये ये वन नंबर, ये प्लस वाला, और दूसरा मैंने बताया जिसके आगे कुछ नहीं तो क्या होता है प्लस। ये इन दोनों नंबर प्लस वाले नंबर को हमको क्या करना है, पहले प्लस करना है। पहले दोनों नंबर को लिख लूं, 3678 प्लस कौन सा नंबर 2456। चलो हम इसको फटाफट प्लस कर देते हैं। 14 आपको ऐड करने सिखाया था है ना, 8 + 6 = 14, 1 is carry on in a decimal place, 1 + 7 = 8, 8 + 5 = 13, 13 का 3 लिख के 1 कैरी कर दी, 1 + 6 = 7, 7 + 4 = 11, 1 कैरी, 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6। ठीक है, हमने क्या किया पहले स्टेप में जितने भी प्लस वाले नंबर थे उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या बोला, सेकंड स्टेप क्या है, अब फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप में आते हैं ऐड। ऐड मतलब प्लस करना है, ऑल द नंबर सभी नंबर को विद साइन, माइनस साइन, जिसके आगे माइनस साइन है उन नंबर को भी हमको क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, अब देखो माइनस साइन को, ये देखो इस नंबर के आगे माइनस है मतलब ये नंबर क्या है आपका माइनस है। ठीक है, चलो इसको लिख लो है ना, ये नंबर माइनस है और इस नंबर के आगे भी माइनस है मतलब ये नंबर भी आपका क्या है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट वाला है, उनको भी हमको क्या करना है प्लस करना है। इन माइनस वाले नंबर को भी हमको प्लस करना है। हमको स्टेप वन और स्टेप टू में दोनों में आपको क्या करना है ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, चलो इसको प्लस करते हैं, 7 + 8 = 15, 1 is carry, 1 + 8 = 9, 9 + 9 = 18, 1 is carry, 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12, 1 is carry, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4। ठीक है, अब हमारा स्टेप वन में क्या किया, पूरे जितने भी प्लस वाले नंबर थे उसको हमने प्लस कर दिया, जितने भी माइनस वाले नंबर थे उसको भी हमने प्लस कर दिया। ठीक है, हमारा दो स्टेप क्लियर हो गया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, सबट्रैक्ट द सेकंड सम फ्रॉम द फर्स्ट सम। हमको अब डिवाइड करना, माइनस करना है। ये पहले नंबर से ये पहला सम है, ये फर्स्ट सम है और ये क्या है सेकेंड सम है। मैं पहले बताया कि प्लस के आंसर को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, SUM सम, प्लस के आंसर को। अब पहले आंसर में से दूसरे आंसर को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा पहला आंसर क्या आया 6134। उसमें हमको सेकेंड आंसर को क्या करना है, माइनस करना है 4285। अब चलो हम इसको अब क्या करेंगे, लास्ट में थर्ड स्टेप पे से माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 4 में 5 जाएगा क्या, सबट्रैक्ट क्या होता है, हमेशा ऊपर बड़ा नंबर होता है, लेकिन 4 इज स्मॉलर देन 5, तो 4 इससे गुणा करेगा 3 से, 4 बिकम 14 एंड 3 बिकम 2, ठीक है। माइनस में हमेशा बड़ा नंबर देखते हैं हम। अब देखो हमारे पास 14 फिंगर तो नहीं है, 5 के बाद से काउंट करो, आफ्टर 5 क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे स्टॉप कर दो। हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी फिंगर्स, 9, ठीक है। अच्छा सेम प्रॉब्लम भी है, 2 से 8 माइनस होगा क्या, नहीं, 2 क्या हो जाएगा 2 बिकम 12 और 1 इसको दे दे तो क्या होगा 0। अब हमारे पास 12 फिंगर भी है, 8 के बाद से काउंट करो, 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 4 4। अब ये क्या है 0 से नहीं जाएगा, 0 बिकम 10 और 6 क्या हो जाएगा 5, 6 बिकम 5। अब 10 माइनस 2 करो, 10 माइनस 2 10 तो फिंगर है, निकाल सकते हो, इसे 2 माइनस कर दो, कितना आया 8 and 5 minus 4 1. So this is your answer. आपका आंसर क्या हुआ 1849, ठीक है। समझ में स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13। अब हम इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज नंबर 13 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना, प्लस माइनस और प्लस है ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3716 माइनस 1829 प्लस 697, ठीक है बेटा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जितने भी प्लस साइन वाले नंबर्स हैं उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हमारे प्लस साइन वाले नंबर कौन कौन से, देखो एक है, कोई भी नंबर के आगे प्लस लगा, इट मीन्स वो नंबर क्या है, प्लस वाला नंबर है, प्लस साइन वाला नंबर है, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा 1829 के आगे तो माइनस लगा, तो ये कौन सा नंबर है, माइनस वाला नंबर है, इसको हमको नहीं लेना, पहले हमको प्लस वाला नंबर लेना है ना। अब देखो इस नंबर के आगे कुछ नहीं है, जब कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं रहता, तो मैंने क्या बताया था इसके पहले कि वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये भी नंबर क्या है आपका, प्लस है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप के रूल्स के हिसाब से हमारे जितने भी प्लस नंबर वाले, जो प्लस साइन वाले जो नंबर, उसको क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, ऐड प्लस साइन, ठीक है। ये प्लस साइन और ये प्लस साइन, हमको पहले क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस, जितने भी प्लस साइन वाले। एक ये नंबर है 3716 प्लस 697, ठीक है। अब हम उसको पहले प्लस करेंगे, चलो प्लस करो, 6 + 7 = 13, 1 इज कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 11, 11 का 1 लिखे, 1 कैरी करे 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 1 + 7 = 8, 8 + 6 = 8, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 लिखे, 1 इज कैरी ऑन इन 1000 कॉलम, 1 + 3 = 4, सो आवर आंसर इज, और फर्स्ट सम इज 4430, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सम क्या आया 4430। अब हमारा पहला दूसरा स्टेप क्या था, हमने पहला फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया कि जितने प्लस साइन सेकंड स्टेप था हमारा जितने भी माइनस नंबर माइनस साइन वाले नंबर है उनको भी क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो बेटा माइनस साइन तो हमारे पास खाली एक ही नंबर है, एक नंबर में हम क्या साइन प्लस करेंगे, तो हमारा सेकंड स्टेप में हम कोई भी नंबर को प्लस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइनस साइन वाला सिर्फ हमारे पास अकेला ही नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में से जो अकेला जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, स्टेप 3 के मुताबिक माइनस कर देंगे। हमारे यहाँ स्टेप 2 नहीं होगा बेटा, क्योंकि स्टेप 2 में सिर्फ एक ही नंबर है। स्टेप 2 में क्या था कि हमको दो माइनस वाले नंबर को भी प्लस करना था, लेकिन हमारे पास एक ही नंबर है, तो हम स्टेप 2 यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। अब डायरेक्ट हम क्या जाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था हमारा, सबट्रैक्ट second sum from first sum। ठीक है, अब हमारे पास तो है नहीं, तो हमको ये नंबर में ये जो सम है फर्स्ट 4413 में हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, 1829। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 3 में 9 नहीं जाएगा, 3 बिकम 13 एंड 1 बिकम 0। ये तो आपको पता ही है, बोरोबर ने सिखाया था। अब 9 के बाद से 13 तक गिनो, 9 आफ्टर 9 10 11 12 13। हाउ मेनी फिंगर्स, 4 4। अब 0 में 2 नहीं माइनस होगा, तो 0 को बोरो करना पड़ेगा अपने बाजू वाले नंबर से। इसकी 100 की साइड कौन सा नंबर है, 4 4। जब 0 को 1 दिया तो 0 बिकम 10 एंड 4 बिकम 3। ठीक है, 10 फिगर निकाल सकते हो, 10 - 2 करो, 10 - 2 1 2, हाउ मच, 8 8। अब 3 से तो 8 नहीं जाएगा, 3 क्योंकि छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, 3 किससे बोरो करेगा, अपने बाजू के नंबर में कौन सा है, 1000 के प्लेस में क्या है 4, उससे वो बोरो करेगा। 4 उसको 1 दे दिया, 3 बिकम 13 एंड 4 बिकम 3। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है ना। अच्छा, अब आपके पास 13 फिंगर नहीं है, तो आप क्या करोगे, 8 के बाद से काउंट करो और 13 पे रुक जाओ। 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13। कितना आया, 5 फिंगर। और 3 - 1 3 - 1 कितना है, 2। सो दिस इज योर आंसर। ये जो लास्ट थर्ड स्टेप का जो आता है आंसर, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तब आप ये लिखोगे आंसर 2584। क्लियर? नाउ वी विल सिंप्लीफाई ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2513 माइनस 589 प्लस 732 माइनस 1067। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले से स्टेप लिख दिया बेटा। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, ऐड मतलब प्लस करना। किसको प्लस करना, प्लस साइन वाले नंबर को प्लस करना। पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस साइन वाले नंबर कौन सा है, देखो ये मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर के प्लस है तो मतलब वो प्लस साइन वाला नंबर है। सेकंड देखो ये माइनस है, ये भी नंबर क्या है, माइनस है। आप देखो यहाँ पे जो नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा रहता वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, पहले प्लस कर देते हैं। ये नंबर और ये नंबर को पहले स्टेप 1 के रूल्स के हिसाब से प्लस कर दो। 2513 प्लस 732, तो 100 के प्लेस से दिखना है 732। ठीक है, प्लस 3 + 2 is 5, 1 + हाँ इसको एक लाइन लिख देते हैं, 1 + 3 is 4, देन 5 + 7 is 12, 1 is carrying on 2, 1 + 2 is 3। तो हमारा फर्स्ट सम क्या आया, प्लस के आंसर में क्या बोलते हैं, सम। तो फर्स्ट सम क्या है, 3245। ठीक है, अब बेटा हमने फर्स्ट सम निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट रूट के हिसाब से। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, ऐड माइनस साइन। जितने भी माइनस साइन वाले नंबर्स है उनको भी ऐड करना, उनको भी प्लस करना। आपको गलती मत करना कि माइनस साइन वाले जो नंबर्स है उसको माइनस कर दो, नहीं। हमको हमेशा ऐड करना, स्टेप वन में और स्टेप टू में हमको प्लस हमेशा ऐड करना। फर्स्ट स्टेप वन में क्या करना, प्लस साइन वाले नंबर्स को प्लस करना, फिर स्टेप टू में माइनस साइन वाले को भी प्लस करना, ठीक है। अब बच गए माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन, ये देखो ये नंबर माइनस साइन वाला है और ये भी नंबर क्या है माइनस, इन लोगों को भी क्या करना, हमको प्लस करना है। तो चलो हम प्लस करते हैं, ताकि बड़ा नंबर इसको लिख सकते हैं। 1067 प्लस 589। चलो अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। जितने भी माइनस साइन वाले को भी हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 7 + 9 = 16, 1 इज कैरी, फिर 1 + 6 = 7, 7 + 8 = 15, 15 का 5 लिखिए, 1 का लिखिए यहाँ पर। 1 + 0 = 1, 1 + 5 = 6 और यहाँ पर कुछ कोई क्या नहीं है, 1 यहाँ पर यहाँ कर दो। तो हमारा सेकंड सम क्या आया, मतलब प्लस के आंसर को क्या बोलते हैं, सम। तो हमारा सेकंड सम क्या आया, 1656। हमारा फर्स्ट सम है 3245, सेकंड सम है 1656। अब हमको स्टेप 3 में क्या करना है, दोनों सम को हमको माइनस करना है, ठीक। स्टेप 3 क्या है, सबट्रैक्ट सेकंड सम फ्रॉम फर्स्ट सम, ठीक है। सेकंड सम को पहले वाले सम से क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो हमारा फर्स्ट सम क्या है 3245 फर्स्ट सम, और सेकंड सम क्या है 1656, 1656। अब हमको इसको क्या करना, माइनस करना। लास्ट में थर्ड स्टेप में हमको दोनों के आंसर को माइनस कर देना है, ठीक है। हाँ, अब 5 तो छोटा है, देखो सबट्रैक्शन का हमको क्या चाहिए, हमेशा ऊपर बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन छोटा। 5 लिखो क्या होगा 15, बोरो करके 4 को दिया तो 4 क्या हो गया 3। अब देखो 15 से 6 को हमको माइनस करना, हमारे पास तो 15 फिगर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नीचे नंबर रहता है उसके बाद से कौन करते हैं, और ऊपर में नंबर जितना 15 है वहां पर आप रुक जाना, ठीक है। तो उसके आगे कौन नहीं करना। 6 के बाद क्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। कितने फिंगर लिखना हमारा 15 तक, कौन करने पे 9, ठीक है। अब 3 में 5 तो नहीं आएगा, तो 3 भी बोलो करके क्या बनेगा, 3 बिकम 13 and 2 बिकम 1, ठीक है। बड़ा नंबर लगाने के लिए आगे 1 लगा देना बेटा, ये इसको देता है तो 1 आगे लग जाता है और ये इसमें से 1 जो देता है वो कम हो जाएगा। अब 13 फिंगर नहीं है तो क्या करेंगे, वही से 5 से हम काउंट करेंगे, 13 पे हम रुक जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे। आफ्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने फिंगर, ठीक है। देन 1 में 6 का भी माइनस होगा, तो 1 बिकम 11 and 3 बिकम 2। अब 6 के बाद से कौन करना है 11 तक, आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और 2 minus 1 is 1, so your final answer is 1589। यही आपका आंसर है, आंसर इज 1589, क्लियर। Now, fifth question is simplify 5701 plus 642 minus 1396 minus 2381, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये सिंप्लीफाई करना है इस नंबर्स का। तो पहले फर्स्ट स्टेप ऐड प्लस साइन, जितने भी प्लस साइन है उसको हमको ऐड करना है। देखो प्लस साइन कहाँ है, ये देखो ये प्लस साइन वाला नंबर है, ये तो माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला, जिसके नाम आगे माइनस है वो नंबर माइनस, इस नंबर के आगे माइनस, मतलब ये भी नंबर क्या है माइनस का नंबर, सबट्रैक्ट का। अब देखो ये नंबर मैंने बताया था कुछ नहीं है, इट मींस दिस नंबर इज प्लस, ये प्लस वाला, ठीक है। अभी दोनों नंबर को हमको प्लस करना है, प्लस कब करें, फर्स्ट स्टेप में 5701 प्लस 642। चलो इसको खाकर हम प्लस कर देते हैं। 1 + 2 is 3, 0 + 4 is 4, 7 + 6 is 13, 1 is carry on 5, 1 + 5 is 6. So your first sum is 6,343. Now we will do second step. अब हम second step करेंगे. Add minus sign. देखिए minus sign और ये भी minus sign वाला नंबर है. अब इनको भी क्या करना है? हमको add करना plus करना. चलो अब इसको करते हैं. 1,396 381. अब इसको हम प्लस कर दें. 6 + 1 is 7, 9 + 8 is 17. तो 1 कैरी यहाँ कर दो. 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, 1 + 2 is 3. तो अब सेकेंड सम इज 3,777. अब हमको थर्ड स्टेप में क्या करना है? पहले सम में से दूसरे 6,343 हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना. सब्ट्रैक्ट करना, प्लस नहीं करना, ऐड नहीं करना. फिर 3,777. चलो अब हम इसको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 से 7 ही जाएगा. 3 become 13 और 4 become 3. ठीक है. 7 के बाद से काउंट करो 13 तक. आफ्टर 7 8 9 10 11 12 13. कितना आया? 6. 7 ही जाएगा. 3 become 13 एंड 2 3 या क्या होगा? दिस 3 become 2. अब देखो 13 - 7 कितना आता? 6. यहाँ भी सेम ही आ रहा है. 13 - 7 is 6. ठीक है. अब 2 में 7 नहीं जाएगा तो 2 become 12 एंड 6 become 5. ठीक है. अब 7 से स्टार्ट करो, काउंट करना, 12 पे स्टॉप हो जाओ. 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10 11 12. तो 12 - 5 7 is 5 एंड 5 - 3 1 2 3. कितना है? 2. सो आवर फाइनल आंसर 2566. यही आपका आंसर है. ठीक है. आंसर